दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बुद्धा जयंती पार्क जो दिल्ली के वंदे मातरम मार्ग पर है। यहाँ आप सिर्फ अपने कार या स्कूटी से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही पहुँच सकते हो। यहाँ जो मेट्रो है वह काफ़ी दूर है। जब आप लोकेशन पर पहुँच जाते हो तो आपको ये लाल रंग का गेट नज़र आएगा। ये गेट नंबर 2 है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। जब आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ बुद्धा स्टैचू दिखेगा। इसे काफ़ी खूबसूरती से तराशा गया है। आप इस स्टैचू से आगे बढ़ोगे तो आपको हर जगह हरियाली नज़र आएगी। अगर आप यहाँ 10 मिनट बैठोगे तो आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी। आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको बाल बोधि वृक्ष नज़र आएगा। इस बाल बोधि पेड़ को देखने काफ़ी लोग आते हैं। आपको बता दूं कि दोपहर के समय यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। वहीं इस पेड़ का इतिहास आप इस शिलालेख पर देख सकते हो। इस पेड़ के बारे में ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया और इस विशेष पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। जिस पेड़ के नीचे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया वो वाला पेड़ अब नहीं है, लेकिन उस बोधि वृक्ष की एक टहनी को 282 ईसा पूर्व में अनुराधापुरा जो श्रीलंका में है ले जाया गया था और एक मंदिर में लगाया गया था। यहाँ टहनी एक पेड़ के रूप में विकसित हुई और बुद्ध के नाम के साथ जुड़ने के कारण श्री माँ बोधि के रूप में प्रसिद्ध हुई। उस समय ऐसा माना जाता था कि श्रीलंका का राजवंश तब तक जीवित रह पाएगा जब तक कि श्री माँ बोधि जीवित रहेंगे, और इसलिए इस पेड़ की देखभाल की गई और दिन रात उसकी रक्षा की गई। समय के साथ साथ एक ऐसा वक्त आया जब इस पेड़ की टहनी को भारत लेकर आया गया। इस टहनी को 1964 में श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत लेकर आए थे और इसे उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बुद्धा गार्डन में लगाया गया और इसे यहाँ बाल बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। आप जैसे इस बाल बोधि पेड़ से बाहर आओगे तो आपको सामने की तरफ एक तालाब दिखाई देगा। अभी इसमें पानी तो है लेकिन मछलियाँ कम है। इसके थोड़ा आगे आपको एक शिलालेख नज़र आएगा जिस पर कुछ लिखा गया है। आप इसे गौर से देखिए। वहीं इसी शिलालेख के सामने आपको बुद्धा मंदिर नज़र आएगा। इसमें बुद्ध के सुनहरे रंग की मूर्ति है। यह मूर्ति काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा थक गया था इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चला जाए, तो मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी शांति। अगर आपको ऐसी जगह पसंद है जहाँ आपको शांति चाहिए तो बुद्धा जयंती पार्क आपके लिए अच्छी जगह है।